हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां मैं आप सभी तक लेकर आता हूं हर नई और पुरानी गाड़ियों का रेगुलर अपडेट्स। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अभी तक आपने टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 को इंडियन आर्मी द्वारा यूज करते देखा और सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को आर्मी स्पेक टाटा हेक्सा के बारे में बताऊंगा, जो पर्टिकुलरली एक दूसरे देश की ऑफिशियल आर्मी व्हीकल है। वहां की बात करने से पहले मैं आपको इंडियन आर्मी के व्हीकल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 इंडियन आर्मी का ऑफिशियल व्हीकल है। आर्मी स्पेक सफारी स्टॉर्म एक BorgWarner 4-व्हील ड्राइव सिस्टम से इक्विप्ड है, जो इसे एक कैपेबल ऑफ रोडर बनाता है। ये SUV 800 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है, जो इसके स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 60% ज्यादा है। टाटा मोटर्स का दावा था कि SUV का 15 महीनों तक भारत के अलग अलग इलाकों में कठोर परीक्षण किया गया, जिसमें ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों ही ट्रायल शामिल थे। सफारी के नक्शे कदम पर चलते हुए हेक्सा बांग्लादेश में ऑफिशियल आर्मी व्हीकल बन गया है। लास्ट ईयर कार मेकर ने अनाउंस किया था कि उसे बांग्लादेश आर्मी से हेक्सा के 4x4 वेरियंट की 200 यूनिट्स को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि सफारी के सिमिलर ही हेक्सा का भी महीनों तक काफी कठोर परीक्षण किया गया। हालांकि इसकी रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी देखने के बाद बांग्लादेश आर्मी द्वारा इसे अप्रूव कर लिया गया। मैन्युफैक्चरर ने यह भी रिवील किया था कि हेक्सा को बांग्लादेश आर्मी द्वारा स्पेसिफाइड सभी रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ा। इसके बाद टाटा मोटर्स ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें लिखा है, यह ऑर्डर अदर कम्पिटिटिव SUVs के खिलाफ जीता गया है और यह बांग्लादेश आर्मी का पहला महत्वपूर्ण ऑर्डर है। टाटा हेक्सा के सुपीरियर परफॉर्मेंस, बेटर कंफर्ट और बांग्लादेश में वाइडली अवेलेबल सर्विस और स्पेयर्स ने इसे आर्मी के लिए सबसे पसंदीदा ब्रांड बना दिया है। टाटा मोटर्स का बांग्लादेश के मार्केट में ये कोई नया प्रवेश नहीं है। ब्रांड 2012 से पड़ोसी देश में कारों की बिक्री कर रहा है। करंटली बांग्लादेश में टाटा की लाइनअप में टियागो, इंडिगो ECS और नेक्सॉन जैसी कार शामिल हैं। कार मेकर बांग्लादेश में प्राइवेट कार बायर्स को हेक्सा नहीं बेचता है। इंडिया में बेचे जाने वाले हेक्सा के कंपैरिजन में आर्मी स्पेक वर्जन कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। ये एक ऑलिव ग्रीन पेंट शेड में आता है, जिसके फ्रंट और रियर एंड पर बुल बार्स लगे हुए मिलते हैं। हालांकि ये माना जा सकता है कि आर्मी स्पेक हेक्सा पर मैकेनिकल्स इंडियन वर्जन के सिमिलर ही हैं। इंडिया स्पेक हेक्सा का 4x4 वेरिएंट 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड वेरिकोर 400 डीजल इंजन द्वारा पावर्ड था। ऑयल बर्नर 148 bhp का पीक पावर और 400 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है, जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। कार मेकर ने ऑप्शनल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 4x4 वेरिएंट को ऑफर नहीं किया था। हालांकि हेक्सा जल्द ही BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ शोरूम्स में फिर से वापस आ जाएगी। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपकमिंग अपडेट के साथ इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ये सोच सकते हैं कि टाटा के जिन SUVs का किसी महीने इंडियन मार्केट में एक यूनिट भी नहीं बिकता, उन SUVs को इंडिया की और बाहर की आर्मी द्वारा ऑर्डर देकर बनवाया जाता है। आर्मी के पास कई ऑप्शन थे, वो चाहते तो किसी भी कंपनी के SUVs को शामिल कर सकते थे, जो ज्यादातर इंडियंस अपने पर्सनल यूज के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या वो सारी SUVs इंडियन आर्मी के टेस्ट को पास कर पाती? आप खुद सोचिए कि इस प्राइस सेगमेंट में क्या कोई SUV ऐसी है जो इतनी रिलायबल और कैपेबल हो कि उसे आर्मी के लिए यूज किया जा सके। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में सबसे पहले टाटा का ही नाम आएगा, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि इतने कम प्राइस में टाटा के अलावा और कोई भी कंपनी इतनी मजबूत गाड़ी नहीं बनाती कि उसे आर्मी के लिए यूज किया जा सके। लेकिन फिर भी आप में से कई लोग टाटा की गाड़ियां नहीं खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि टाटा की गाड़ियों का मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा की करंट में आ रही सारी गाड़ियों का मेंटेनेंस काफी लो है, और अब तो नई लॉन्च हुई टाटा की कार्स में अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। तो आप कोई भी कार लेने से पहले र्यूमर्स पर ध्यान दिए बिना उसे टाटा की कार से जरूर कंपेयर करें। उम्मीद है आपको औरों के मुकाबले बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।